हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द जेमिनी आर्चर। और आज मैं आपको एक स्पेशल जगह लेके जा रहा हूँ जिसे कहते हैं मणिकरण गुरुद्वारा, जो कसौल से 4-5 किलोमीटर दूर और कुल्लू से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ शिव जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ गुरु नानक साहिब का भी मंदिर है, जहाँ आपको जाने के बाद जो फील आएगी और जो रास्ते का फील है वो आपको खुद लेना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ बोल के नहीं बता सकता, क्योंकि फीलिंग, यार फीलिंग तो फीलिंग होती है। तो आप और मैं इस सफ़र में थोड़े फन फैक्ट्स जान लेते हैं, थोड़े बातें जान लेते हैं गुरु नानक साहिब और शिव जी के मंदिर के बारे में। तो आइए इस सफ़र में मेरे साथ और इस जगह का आनंद उठाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें मणिकरण विज़िट करने के बाद यहाँ के कुछ फैक्ट्स पता चले हैं, जिसमें हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी पता चली भगवान शिव और पार्वती के बारे में। जब वो यहाँ से निकल रहे थे एक भ्रमण के दौरान, तब उन्हें ये जगह बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ नदी थी और बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, हरियाली थी, पहाड़ थे। उन्हें ये जगह बहुत ही सुहावनी लगी, तो वो उन्होंने यहाँ पर रेस्ट करने का डिसीजन लिया। और उन्होंने, ये माना जाता है कि यहाँ पर 1100 साल बिताए हैं। उस दौरान एक बार पार्वती जी ने उस नदी में अपना एक कीमती मणि खो दी थी, तो उन्होंने वो शिव जी से वापस लाने को कहा। उस पर शिव जी ने अपनी सेना भेजी और वो मणि ढूंढने को कहा, बट उनकी सेना असफल रही। उसके बाद शिव जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल ली और उन्होंने तांडव किया, जिसकी वजह से शेषनाग जग गए और उन्होंने एक हिस किया, जिस हिस की वजह से ये माना जाता है कि वहाँ पर आज तक हॉट स्प्रिंग्स निकलते हैं, हॉट वाटर वहाँ पर पाया जाता है। और वो पानी इतना गर्म है कि ये माना जाता है उसके अंदर आप आराम से चावल पका सकते हैं। तो ये तो थी एक शिव मंदिर की कहानी। उसके बाद वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया शिव पार्वती का, जिसकी बहुत मान्यता है। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि यहाँ जाने का मतलब काशी जाने के बराबर माना जाता है। तो इसके बाद मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ गुरुद्वारा के बारे में, जो कि ऐसे है कि एक बार गुरु नानक साहब अपने एक मुंह बोले भाई मर्दाना के साथ वहाँ पहुँचे थे, और उन लोगों के पास कुछ खाने को नहीं था, तो उन्होंने अपने भाई को कहा लंगर लाने को लोगों से, जिसके बाद मर्दाना गए और कुछ लोगों ने उन्हें आटा दिया रोटी बनाने के लिए। जब वो वापस आए तो गुरु नानक जी ने डिसाइड किया कि वो रोटी बनाएंगे, लेकिन उनके पास आग नहीं थी। उस आग को खोजने के लिए उन्होंने एक पत्थर उठाया जिसके नीचे से बहुत सारा गर्म पानी निकला, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस गर्म पानी के अंदर हम रोटी पका लेंगे। उन्होंने हाथों से रोटी के रोल्स बनाए और उस पानी के अंदर रोटियां डाल दी कि ये पक जाएगी, लेकिन हुआ यूँ कि वो रोटियां उसमें डूब गई, और रोटियां डूब जाने से उन दोनों को बहुत उदासी हुई। फिर उन्होंने सोचा कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि रोटियां हमें वापस मिल जाए, तो उन दोनों ने भगवान से प्रेयर करी कि अगर वो रोटियां फ्लोट बैक हो जाती हैं, यानी कि ऊपर आ जाती हैं तैर के वापस, तो वो एक रोटी भगवान के नाम पर उसमें वापस दान कर देंगे। तो वैसा ही हुआ, एक एक करके सारी रोटियां ऊपर आने लगी, जिससे वो खुश हो गए, उन्होंने एक रोटी भगवान के नाम पर दान कर दी। तो ये कहा जाता है गुरु नानक साहिब के द्वारा कि अगर आपकी कोई कीमती चीज़ या कीमती वस्तु अगर आप पानी में खो गई है, तो आप अगर भगवान के नाम पर कोई एक चीज़ डोनेट करते हैं तो आपकी चीज़ें जो पानी में खो गई थी वो आपको वापस मिल जाती है। तो ये थी गुरुद्वारे की कहानी, मणिकरण की कहानी, जिसकी बहुत मान्यता है, और ये भुंतर के पास है, कसौल से 4-5 किलोमीटर दूर। यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर जाकर आपको बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पुरानी कहानियाँ सुनने को मिलेगी, मंदिर देखने को मिलेगा, गुरुद्वारा है जहाँ पर आप लंगर भी खा सकते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ पर रहने की भी सुविधा अवेलेबल है, जैसे अगर आप चाहें 1 या 2 दिन यहाँ गुरुद्वारे में रुकना तो आप यहाँ कमरा ले सकते हैं, रह सकते हैं। आप अगर चाहें अपनी तरफ से लंगर करवाना, आप वो भी कर सकते हैं, प्रसादी करवा सकते हैं। और अगर आप लंगर में अपनी सेवा देना चाहते हैं, गुरुद्वारे में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर।
और एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ गाइस, जो ये है कि यहाँ के हॉट वाटर में नहाने से अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, वो उसमें भी बहुत आराम मिलता है। तो ये थी यहाँ की कहानियाँ, हमारा सफ़र मणिकरण का। ये बहुत ही पवित्र जगह है, यहाँ पर बहुत पीस मिलता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं यहाँ आकर के। तो आप प्लीज़ विजिट कीजिए इसको, और ये जगह ऐसी आप किसी भी सीजन में आए आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप विंटर्स में आते हैं तो ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है विद स्नो। तो ये था हमारा सफ़र मणिकरण का। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Till then, stay tuned and don't forget to press the bell icon for our upcoming interesting videos. Thank you.